एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद अमरोहा के ब्लॉक जोया के ग्राम अशरफपुर फैजगंज पहुंचा। लगभग 2800 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान में गांव की प्रधान परवीन है। लगभग 1300 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने ग्रामवासियों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहां की प्रधान गांव की सभी समस्याओं को दूर करने एवं गांव के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वहीं प्रधान प्रतिनिधि का कहना है कि उन्होंने पेयजल आपूर्ति दुरुस्त कराने के लिए 34 हैंडपंप लगवाए हैं एवं सरकार से और हैंडपंप लगवाने की मांग की है। वहीं विद्युत व्यवस्था को देखते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान ने 150 बिजली के पोल व 2 बिजली के ट्रांसफार्मर लगवाए हैं। वहीं गांव में सीसी टाइल्स की सड़कों का निर्माण, शौचालयों का निर्माण भी कराया है। वहीं ग्राम प्रधान ने सोलर लाइटें भी लगवाई हैं। एबीपीएस न्यूज के माध्यम से ग्राम प्रधान प्रतिनिधि एवं ग्रामवासी राज्य एवं केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि गांव में एक नाला, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र एवं लोहिया आवास के लिए जल्द से जल्द धनराशि आवंटित की जाए, जिससे गांव का विकास किया जा सके। मैं अशरफपुर फैजगंज का निवासी प्रधान का छोटा भाई वकील अहमद। जो क्या कहने के लिए तो प्रधान जी को बहुत ओहदा बना रखा, बहुत बड़ा बना रखा कि प्रधान जी, लेकिन प्रधान के लिए जैसे पेंशन योजना है इसका अधिकार नहीं, और बहुत सारे विकास के लिए पैसा, बहुत का पेंशन है, विकास के लिए पैसा है जो का बहुत कम पैसा कर दिया है। कुल मिला के जब से ये सरकार हुई है बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है, और लोग भाव की कोई भी समस्या है आते हैं प्रधान से कहते हैं, लेकिन प्रधान के हाथ में कोई ऐसा अधिकार नहीं है कहने के लिए। बहुत बड़ा होदा बना रखा है कि प्रधान के लिए साहब ये वो है, लेकिन कोई भी किसी तरह का विकास नहीं है, नहीं कुछ किस तरह की वो है। तो हम चाहते हैं कि अभी एक 60 साल के, एक 60 साल का वो चला था, वो भी लोग मतलब इस सरकार होते ही वो भी ख़त्म हो गई है, और कई योजनाएं ऐसी हैं जो कि ख़त्म हो चुकी हैं। कुल मिला के इससे ना तो कोई लाभ मिल गया है और ना ही सरकार से हमें कोई फ़ायदा पहुंचा। गांव में विकास के लिए पैसा इतना कम आ रहा है कि बहुत ज़्यादा होना चाहिए, अगर लगने चाहिए 2 रुपये तो आ रहे हैं मुश्किल से 10 पैसे, बताओ कहाँ से पूर्ति पड़ेगी। हमारा कहने का मतलब ये है कि सब लोग इस सरकार का दुरुपयोग करें, मतलब दुरुपयोग करें, और कहें कि भैया ये तो बहुत ज़्यादा गलत नासाफी हो रही है।